पाता है बिल्कुल। ये दो पहलवान जिनकी बड़ी धूम है हिंदुस्तान में वर्तमान में, इनके बड़े चर्चे हैं, शाकिर नूर रुस्तम मेरठ। पहले सामने से हट जाए आप सभी से, यादव जी मंच के सामने। यादव सर, सर बोलिए। मैं इनका अनाउंस कर रहा हूं, ये नूर पहलवान है मेरठ से, इनकी काफी धाम और काफी चर्चे हैं इनके, बड़े और अच्छे लड़ने वाले। ये शमशेर पहलवान बनारस, यहाँ की जनता इनसे वाकिफ है, बहुत कुश्तियां इन्होंने लड़ी है, उम्दा ये कुश्ती इस पब्लिक के सामने होने जा रही है। सब पब्लिक से मेरी गुजारिश है, आप लोग बड़े ही आराम से जहाँ हैं बैठे या खड़े होके देखें, और बड़ा ही मजा आएगा इस कुश्ती में। और फालतू के बाहर से कमेंट्स ना करें, ये आप ही के घर के बच्चे हैं, कुश्ती देखिए, इनकी कला देखिए। भैया मंच के सामने से हट जाए कर दिया भाई साहब, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, मंच के सामने से तो हट जाएंगे। हम लोग कुश्ती नहीं करवाएंगे जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं शांति से। हाँ ये जो वॉलंटियर्स हैं ये हट जाए, पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रही है, और प्रशासन को कैसे डील की जाती है, प्यार से नहीं तो बाकी उनके पास पावर है ही। चलिए भैया ये बीच ये फालतू हट जाए, भाई आप लोग हट जाए। भैया अगर आप लोग नहीं हट रहे तो धंधा समाप्त करें, कहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक तरफ हो जाए, ये आप लोग एक तरफ हो जाओ भाई, आप लोगों से दिक्कत होगी, ये रिकॉर्डिंग करना है तो बैठ जाओ, खड़े मत रहो, कोशिश शुरू करें। लाल जी ये मुकाबला शमशेर पहलवान जो कि थोड़ा कद काठी है ज्यादा, अगर बात करें और दूसरी तरफ अगर बात करें बेहतरीन मुकाबला शाकिर नूर, एक बार भोपाल वाले जोरदार तालियों से नवाजे, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में दोनों के सबसे ज्यादा चर्चे हैं, और इन्हें अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बड़ा नाम है शाकिर नूर, बनारस की शान एक तरफ पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, दूसरी तरफ मेरठ, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, शाही की भोपाल पंद्रह जन तहजीब शहर में अपने दंगल की खूबसूरत गाँव पेश दिखाने के लिए जहां भरत दिया है, जहां गोविंद भाई साहब जैसा ऐसे नेतृत्व करता, और भोपाल के चिंता की नवाब इस कुश्ती के बेहतरीन दो जाबाज पहलवानों का हम देख रहे हैं, शाकिर नूर और शमशेर पहलवान बनारस। फिलहाल शाकिर नूर नीचे गए समय सिंगल लेग अटैक किया, लेकिन शमशेर पहलवान वाकिफ है भोपाल के आवाम, बहुत सारे कुश्तियां यहां लड़ चुके हैं जर्रे जर्रे से, और देखना होगा सेंट्रल लाइब्रेरी अब गवाही देता हुआ साक्षी बन रहा है। पहले इस समय दो ऐसे पहलवानों के मुकाबले जिनकी हिंदुस्तान में बड़ी धूम है, शमशेर पहलवान और अरे हटा दो बड़ी धूम है, लगातार शाकिर नूर थोड़ा झुक हटा दो लेग पे अटैक करने जा रहे हैं, वही शमशेर की कदकाठी थोड़ी ऊंची है और थोड़ा उनसे कहीं ज्यादा शारीरिक, लेकिन दोनों की स्किल में टेक्निक में और देखना होगा कौन होगा विजेता। यहाँ पे तमाम निगाहें अपने पल के बचा इस समय सेंट्रल लाइब्रेरी के इस ऐतिहासिक मैदान पे। फिलहाल इस समय शाकिर नूर सिंगल लेग अटैक किया था, लेकिन शमशेर पहलवान वक्त रहते काट निकाले और अपने आप को इस समय बचाए। शमशेर पहलवान थोड़े ऊपर थे, अब शाकिर नूर इस समय, हमारे आशीष श्रवण जी का भी लगातार मेहनत है, उनकी कोशिशें, और भरत भैया पूरी टीम हमारी गोविंद गोयल साहब के इस बेहतरीन आयोजन रहनुमाई में भोपाल शहर और मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव के क्षण हैं, जो अपने परंपरागत खेलों को कहा जाए उसे जो बचा करके रखा है इन्होंने, अपनी सोच से अपनी बेहतरीन
शैली से और फिलहाल शाकिर नूर बाहर इस समय अखाड़े से शमशेर पहलवान बनारस के शान शाकिर नूर रुस्तम मेरठ ये दो बेजोड़ पहलवानों की जंग हम देख रहे हैं। दुधिया प्रकाश में नहाया ये सेंट्रल लाइब्रेरी का मैदान जहां 10 से 15 हजार के बीच में आवाम जो भोपाल शहर की अपनी खेलों के प्रति रुचि कुश्ती के प्रति परंपरागत अपनी तहजीब का खेल अपने संस्कृति का खेल उसे दीदार करने के लिए आपकी निगाहें नए नए मानो टकटकी भरी निगाहों से और फिलहाल गोविंद गोयल साहब की कयादत उनकी रहनुमाई उनके नेतृत्व रूहे रवा इस आयोजन के और ढलती हुई शाम और रोमांचक क्षणों के लम्हों के हम साक्षी बन रहे हैं। तकरीबन 15,000 आवाम ने गोविंद गोयल साहब के इस ऐतिहासिक आयोजन को आसमान की ऊंचाई देने के लिए और जिस तन्मयता का जिस शिद्दत का भोपाल शहर ने परिचय दिया है वाकई में ये मोहब्बत गोविंद गोयल साहब आज यादगार जन्मदिन है। कई राजनेता होंगे लेकिन फिलहाल इस समय शमशेर और शाकिरपुर खतरे की जोन में है। बेहतरीन तरीके से देखिए डेंसर जोन में है शाकिर नूर और शमशेर के बीच बहुत कांटे की टक्कर है। शमशेर ऊपर है बनारस की शान शाकिर नूर नीचे है लेकिन ये कुश्ती है जरा तस्वीरें बदल जाया करती है। पलक झपकते किसकी ताव होगी सफल निगाहें अपनी मैंने अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं इन लम्हात को। फिलहाल देखना होगा फिलहाल शाकिर नूर और शमशेर एक बार तालियों से नवाजते भोपाल वाले जिंदा दिल लोगों तालियां कमजोर है पहलवान यहां से मोहब्बतें लेकर जाना चाहते हैं और देखना होगा इस समय शमशेर और शाकिर नूर कभी शमशेर हावी होते हैं बनारस के शान कभी शाकिर नूर क्या खिसक की कुश्ती। हम बड़े खुशनसीब हैं कि अपने मिट्टी के खेल को हम दीदार कर रहे हैं और वाकई में ये वो मिट्टी का खेल है जो कभी दारा सिंह कभी गामा पहलवान ने पूरे विश्व में अपने हिंदुस्तान का पताखा लहराया था और उसी परंपरा को हम सिंचित होते देख रहे हैं। अपने आप के फूले नहीं समा रहे होंगे तमाम हमारे उस्ताद जिनकी मेहनतें रंग लाई है और गोविंद गोयल साहब के मार्गदर्शन में हिंदुस्तान के इस बेहतरीन आयोजन एक ऐसा आयोजन भोपाल शहर जो वर्ष भर से हम इंतजार करते हैं तीसरा सीजन है कभी शाकिर नूर कभी शमशेर मुकाबला बहुत खूंखार हो चला है। देखना होगा अब दोबारा से आपको बता दें शाकिर नूर जो है काले कलर की जांघिए में शमशेर थोड़े नीले और कदकाठी में थोड़े उनसे ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों की दाव पेच बड़ी कमाल की है और कुश्ती अपने दाव पेच अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड बॉडी फोर्स स्किल के लिए जाना जाता है। जितना कुश्ती दाव पेच के साथ साथ दिमाग का भी खेल है। देखिए ये कुश्ती लगभग 8 मिनट खत्म हो चुका है क्या मुकाबला देखने को मिलता हुआ वाकई में हमारे निर्णायक मंडल भरत दिया पूरी टीम हमारी क्या डिसीजन यहाँ से क्या पॉइंट के आधार पर निर्णय होगा जब दो योद्धा टकराते हैं जब दो सिकंदर टकराते हैं जब दो जहबाज लड़ते हैं कैसी परिस्थितियाँ हो सकती है ये देखिए आप कोई हार मानने का नाम नहीं लेता हुआ और यही तो खूबसूरती है इस खेल की जो आखिरी लम्हों तक आँख से आँख मिलाकर लड़ने की इच्छा शक्ति दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात कि मिट्टी से ये खेल शुरू हुआ था उसी परंपरा को हमने अपनाया है क्योंकि विदेशी मुल्क के लोग भले ही से मैट पे लेकर आए लेकिन यहाँ स्केल नजर आता हुआ शाकिर नूर थोड़े नीचे गए थे झुक कर खेल रहे वहीं वहाँ पर बात करें तो शमशेर अपने कद काची और कोशिश करते हुए सिंगल लेग अटैक करने का फिलहाल शाकिर नूर रुस्तम मेरठ और दूसरी तरफ है शमशेर बनारस की शान और वाकई में ऐसे दो पहलवान को देख रहे हैं हमें इल्म नहीं है कितने बड़े पहलवान यादव जी जी ये उसका भाई ये दोनों ही बहुत ही उम्दा लड़ते हुए शमशेर पहलवान अपने भजन कला के अंश बहुत अच्छे कलाजन मानने का प्रयास बहुत ही बढ़िया पर और उतना ही अच्छा डिफेंस शमशेर द्वारा शत्रु भी आप
हम तो कायल हो गए यहाँ के लोगों के, गंगा जमुनी तहजीब भोपाल की ये आवाम कितनी शांति से, एक बार अपने आप के लिए ताली बजाए भोपाल वालों, गंग आपने अपने काम धंधे को एक तरफ छोड़ करके कुश्ती के लिए समय दिया है, हम आपके वाकई में शुक्रगुजार हैं और आपकी मौजूदगी के कायल हो चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बड़े कम, वाकई में ये नवाबों की नगरी है, आज मुझे ये एहसास हो रहा है, आज ये कुश्ती लोहे से लोहा टकरा रहा है, सिंपल अब क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छा। ओहो हो समिया शाकिर नूर तो अपने यहाँ से क्या यहाँ शमशेर ने अपने आप को बचाया है डिफेंस में, ये दो जंग है भोपाल वालों, थोड़ी सी धड़कनों पर काबू रखना, क्योंकि दोनों बच्चे घर के ही हैं, किसी से कोई दुश्मनी दूर से लगता है, लेकिन यहाँ बीच में आके देखिए जनाब कैसा मैं कोई खड़ा होता है रेफरी के लिए, डिसीजन के लिए, बिल्कुल सही सर, क्योंकि बहुत डिसीजन देना बहुत बारीकी से, बहुत ही कम लम्हे में ये वाकई में निष्कर्ष पे पहुंचना, शाकिर नूर अपने अलग अलग स्किल का इस्तेमाल करते हुए कद काठी पे ना जाए, शमशेर थोड़े अभी डेंजर जोन में है, उनके मुश्किल शमशेर पे अटैक किया है ऊपर से ही सब लगातार, उन्हें चांखिया का इस्तेमाल करके कोशिश करते हुए उन्हें पटखनी देने की, लेकिन शमशेर भी अपने 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा लड़ाई मंडल भरत भैया का क्या यहाँ से निर्देश होगा, इसके अभी हम इंतजार कर रहे हैं क्या पॉइंट्स के आधार पे, क्योंकि जब दो बड़ी कुश्ती और 5 मिनट ऐसे ही चलेगी, ये फिर पॉइंट्स की तरफ फिलहाल देखिए कितना बढ़िया खेल भावना, एक बार तालियां बजाएं दोनों पहलवानों के लिए, कहते हैं बड़ा नीचे कहते हैं और खेल से बढ़कर कोई नहीं होता, क्योंकि खेल है तो हम हैं, अनुशासन है तो हम हैं, और वो दर्शाया हमारे शाकिर नूर और शमशेर पहलवान ने, क्योंकि अखाड़े में जब हम जाते हैं खेल में तो हमारे लिए खेल बढ़कर है, और फिलहाल देखना होगा ये कुश्ती के देखने के लिए लगातार लम्हे बढ़ा दिए गए हैं, अभी कोई टाइम टाइम की कमी नहीं है, और देखिए बुद्ध प्रकाश में नहाया ये मैदान में अपनी आगोश जर्रे जर्रे में, इस समय कुश्ती के रोमांच को अपनी आगोश में लिया हुआ ये सेंट्रल लाइब्रेरी का मैदान, तकरीबन 15,000 लोग हैं तो 30,000 निगाहें मुकाबले देख रही है, आदरणीय गोविंद गोयल साहब जैसे कैसे शख्सियत जो वर्तमान राजनीति में सुशीलता नैतिकता और अपनत्व के परिचायक हैं, जनता की आवाज सुनना और जनता की संवेदनाओं का फिलहाल मैसेंजर लेक पे बैठ किया शाकिर नूर और शमशेर खूंखार रहते हुए, क्या बेहतरीन तरीके से मुकाबला चल रहा है भोपाल वालों, धड़कनों पे काबू रखना, कितनी शांति से गंगा जमुनी तहजीब, अगर किसी शहर को देखना हो तो और क्या लाजवाब, अब शमशेर हावी है शाकिर नूर पे, लेकिन पलक झपकते यहाँ कुछ भी हो सकता है, शाकिर एक ऐसे पहलवान हैं जिन्हें पटखनी देना लम्हे के अंदर आता है, लेकिन शमशेर बनारस की शान, क्या यहाँ से ये कुश्ती देखने के लिए हम बड़े खुशनसीब हैं वाकई में गोविंद गोयल साहब के, जिन्होंने 15-20,000 आवाम अपने तमाम काम को एक तरफ छोड़ करके कुश्ती के लिए मौजूद हैं, और कुश्ती हमारे उन परंपराओं का खेल है, हमारे तमाम हमारे राजा महाराजाओं नवाबों ने अपने समय में, और नवाबों की नगरी अब वाकई में सही अर्थों में उसी परंपरा को हम जी रहे हैं, ऐसे क्षणों में ऐसे लम्हात में, फिलहाल देखिए इस कुश्ती में
ओ हो, एक बार तालियां तो बजा दो वो बनवा लो। ये कर्री ताली एक बार भी सुनाई नहीं थी अभी तक, तो जिंदा दिल जाना जाता है आपको। फिलहाल शाकिर और शमशेर दोनों आपके सामने हैं, एक तरफ बनारस के दरबान शमशेर, शाकिर नूर रुस्तम मेरठ, शमशेर अभी नीचे हैं और शाकिर। लेकिन पहलवानी के साथ साथ कितने दोस्ती के भी भाव हैं, खेल के प्रति कितने बढ़िया ईमानदार हैं दोनों पहलवान। आप देखिए ये लम्हात बता रहे हैं, कभी कभी हम खूंखार हो जाते हैं, छोटे पहलवान बहुत अपने एग्रेशन शो में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। फिलहाल ये कुश्ती नहीं है, ये वाकई में एक ऐसे खेल जो हमारे परंपराओं से जुड़ा है, हमारे तहजीब से जुड़ा खेल। और देखिए किस तरीके से छोटे कद काठी के पहलवान शाकिर और उनसे थोड़े ज़्यादा वेट में, ज़्यादा वजन में शमशेर, लेकिन यहाँ दाव पेच का खेल है, टेक्निक्स का भी खेल है। शक्ति के साथ साथ टेक्निक्स, अगर तकनीक का समावेश होता है तो कार्य कहते हैं ज़्यादा आसान हो जाता है। और देखना होगा लगातार अपने तमाम स्किल देखने सब है। फिलहाल शमशेर नीचे हैं, शमशेर डिफेंस में हैं, शाकिर एक स्किल अपना रहे हैं। भरत भैया से जरूर इसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं इनके पहले जमीन पे टिका करके वहाँ दोबारा से उन्हें चेक कर रहे हैं कि ये भी एक सोची समझी की और कुश्ती की रणनीति है भरत भैया वाकई में, और ये मंझे हुए पहलवान की निशानी है यहाँ से। फिलहाल हमारे आयोजन समिति के तमाम ऐसे व्यक्तित्व अखिल भारतीय गोविंद गोयल कुश्ती महाकुंभ में अरुण गोविंद गोयल साहब के रहनुमाई में, नेतृत्व में आशीष श्रवण सैलुभिया, अज्जू भाई गेंदा पहलवान, भरत पांडे जी महेश पहलवान, शत्रुघ्न यादव जी, जगदीश उस्ताद, शिव यादव जी, इस्माइल उस्ताद और तमाम हमारे जनता और खेल प्रेमी, सबसे ज़्यादा आभारी हम आपके हैं, क्योंकि कोई आयोजन तभी सफल होता है जब जनता अपनी प्यार अपनी मोहब्बतें समर्पित करती है। और गोविंद गोयल साहब जनता के प्यार को सही अर्थों में जीने वाले नेतृत्व करता है हमारे बड़े भाई, और जन जन की आवाज़ जनप्रिय नेता। बहुत कम लीडर देखते हैं हम, कई मंत्री से प्रोग्रामों में मिलते हैं 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन गोविंद गोयल साहब पिछले 1.5 घंटे से हैं। एक बार तालियां इस चीज के लिए होना चाहिए भाई साहब, हर दिन हम छोटे मोटे प्रोग्रामों में होते हैं, कोई मंत्री हर दिन छोटे प्रोग्रामों के संचालन में, कई बड़े प्रोग्रामों में, लेकिन आपके बीच घुटना रख रख कर 3 घंटे रुक करके ऐसे लम्हों को आपके साथ जीने की संकल्प रखते हैं। और वाकई में 67 साल के आज हमारे यादव जी, ये कुश्ती इसके लगभग 15 मिनट होने जा रहे हैं। हमारे निर्णायक मंडल का निर्देश है कि शत्रु भैया ये कुश्ती अभी चलनी चाहिए। नहीं नहीं, देखिए मेरा है कुश्ती के साथ टाइम बताना भी है, पब्लिक को ही जो है महसूस होना चाहिए कितने मिनट कुश्ती हो चुकी। दूर से तो हम भी बोलेंगे लड़ लो बेटा, कल सुबह तक फैसला देखेंगे। ऐसा ना कहें, आपके बच्चे हैं, ये किसी भी सांप टाइम और सीमा से होती है कि बिल्कुल सर, जो निर्णायक मंडल का निर्देश होगा मैं सिर्फ पहुंचा सकता हूं कि 2 सेकंड से ज्यादा पीठ के बल अगर आप रखते हैं। फिलहाल ये लेकिन जाबाज पहलवान है शमशेर डिफेंस कर रहे थे, शाकिर नूर बड़े प्यार से उन्हें मिट्टी से सहला रहे हैं। और देखिए सब है, कहते हैं कि कुश्ती के साथ साथ यहाँ मोहब्बतों का भी संदेश दे रहे हैं दोनों पहलवान। अमूमन हम अपने प्रतिद्वंदी को बड़ी दुश्मन भरी निगाहों से देखने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीखिए कुछ इन पहलवानों से किस तरीके से अपनी कार्य को भी अंजाम दे रहे हैं और किस बेहतर तरीके से खेल भावना का भी, कहते हैं स्पोर्ट्स के स्प्रिट खेल भावना क्या कमाल की है, ऐसे नहीं है हिंदुस्तान में छाए हुए इन दिनों। शमशेर पहलवान बनारस नीचे है, सब अलग अलग स्किल
सिंगल लेग अटैक किया है, लगातार ग्रिप बनाते हुए उन्हें टाइट कर रखा है। शाकिर नूर हावी है अभी तक, लगातार एक लेग को हवा में उठाया है लिफ्ट करने का प्रयास। शाकिर नूर लिखना होगा, शमशेर पहलवान और ओमर शमशेर ने काउंटर अटैक किया प्रतिद्वंदी का हमला। अब जिस तरीके से देखें यह मुकाबला दो बहादुरों का है, दो जवाजों का है, दो बेजोड़ पहलवानों का, हिंदुस्तान के थक गए नाम इसका रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं आ सकता। जब दो योद्धा टकराते हैं तो उसका रोमांच क्या हो सकता है, लम्हे क्या हो सकते हैं और कितना बेहतर परिदृश्य हो सकता है। कोई सेंट्रल लाइब्रेरी एक बार आकर देखे, ये है सच्चा हिंदुस्तान जहां खेल भावना है, जहां अपनत्व है, गंगा जमुनी तहजीब है और वो भोपाल शहर को एक सूत्र मिलाने का काम किया है हमारे परम आदरणीय गोविंद गोयल साहब के। अभी सीओ से मौसम पहलवान ने खबर पहुंचाइए, जो एक कुश्ती में जीतेगा 1000 रुपए उनकी तरफ से। क्या बात है, हमारे तमाम खेल और कुश्ती से मोहब्बत करने वाले लोगों की तरफ से ये इनामात आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि इस खेल के लिए अभी भी संवेदनाएं हैं दिलों में। और शमशेर पहलवान जमीन को अपना हथियार बनाकर डिफेंस में अभी है और दूसरी तरफ शाकिर नूर लगातार कोशिश करते हुए उन्हें चेज करने के। लेकिन देखिए ये दोस्ती नहीं है, बचपन में स्कूल के टाइम में ऐसा होता था, हम एक दूसरे से देख कर मोहब्बतों का इजहार करते थे, ये कुश्ती में भी ऐसा होता है। एक बार ताली तो बजा दें इनकी खेल भावना के लिए भोपाल वालों, ये होता है खेल भावना। खेल किसे कहते हैं ये परिचय है यादव जी। पहली बात, इस कुश्ती के जो 6 मिनट किए थे 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, शेष 3 मिनट आखिरी 3 मिनट है, क्या ऐसे में बाजी पलटेगी यहाँ से? अब तो इनका दिल ही जानता है लड़ लड़के क्या हाल है। वाकई में बहुत मुश्किल है, बाहर से कमेंट्री करना आसान है, बाहर से कमियां निकालना आसान है, लेकिन जब अखाड़े में आप होते हैं कितने मुश्किलात और कितना कम वक्त होता है अपने आप को साबित करने का, ये बतौर कोई पहलवान जान सकता है। शमशेर पहलवान ने जमीन को अपना हथियार बनाकर डिफेंस में है लगातार। क्या देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन, कहते हैं मिट्टी की जो चमक इनके शरीर से आ रही है वाकई में ये भारत की मिट्टी है दोस्त, और इसमें ऐसे कोई कोहिनूर ऐसे हीरे तराशे जाते हैं। और मेहनत जब आप मिट्टी में करते हैं तो उसका प्रतिफल रिजल्ट ऐसा हुआ करता है, जब आपको बहुत नाम आपको बहुत शोहरतें हासिल होती है। 15 मिनट दोनों खिलाड़ियों के लिए मुमन हम ओलंपिक एशियाड में और तमाम खेलों में देखते हैं, वहाँ इतने लंबे तक नहीं चलती जैसा कि 6 मिनट मैक्सिमम, लेकिन ये बहुत बिछोड़ पहलवान है शत्रु भिया। बिल्कुल सही बात है, कम से कम 17-18 मिनट कुश्ती होने जा रही है और बिल्कुल लगातार चल रही है। नहीं नहीं टावल नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है कि दोनों चल के लड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं संतुलन के साथ। और अगले दोनों पहलवान तैयार रहेंगे अगले कुश्ती के लिए, दम आ गया शाकिर नूर के भी लड़ रहे हैं, विक्रम पहलवान और वकार पहलवान। वकार पहलवान यूपी से और विक्रम पहलवान चमकता सितारा फिरोजाबाद, तो ये दो पहलवान होंगे। फिलहाल मेरठ में ही पहलवान खत्म, शाकिर नूर और शमशेर पहलवान आमने सामने हैं, दो योद्धाओं की लड़ाई है। और देखिए भोपाल की आवाम गंगा जमुनी तहजीब का परिचय किसे कहते हैं, कोई भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी आकर देखे, किसे कहते हैं खेल भावना, किसे कहते हैं अपनत्व। और यहाँ मोहब्बतों को अपने दामन में लेकर गोविंद गोयल साहब और तमाम हमारे पहलवान लेकर जाएंगे अपने अपने शहर, अपने अपने जहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल इस समय अब थोड़ा आक्रामक होकर खेलने लगे हैं, सबसे अटैक पे हैं, फिलहाल डबल लेग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ
शाकिर नूर नीचे है फिलहाल, बहुत ही एक सधी हुई, बहुत ही एक मैच्योर और रेसलिंग जिसे कहते हैं कुश्ती, परिपक्व कुश्ती, जब दो बड़े पहलवान होते हैं, बहुत ही समझबूझ है, तालमेल है, टेक्निक्स है, हर वो विधा पे काम करी किया है इन्होंने। जैसे हम नरसिंह पंचम यादव, इसके अलावा सुशील कुमार, पुराने समय में चले जाए जब हमारे पूर्वज और हमारे बड़े लोग बताते हैं बुजुर्ग गमा पहलवान तारा सिंह की, ये तमाम उस परंपरा को फिलहाल इस समय देखना होगा। सिंगल लेग अटैक पे फिलहाल नीचे है इस समय साकिर, अगर बात करें साकिर नूर और ऊपर अब शमशेर पहलवान बनारस, लेकिन दाव कभी भी पलट सकती है, देखना होगा। बेहतरीन मुकाबला, राजनीति में भी दाव पलटा है महाराष्ट्र में, वैसे ही जैसा आपने देखा था बीजेपी और शिवसेना के दरमियान, हालांकि राजनीति पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वैसे ही कुछ बेहतरीन लम्हा। नीचे एक बार फिर से शमशेर, जमीन से बड़ा इनको मोहब्बत है, बहनते जानते यादव जी, ये शिव भैया ने बताया।